Hi students, today I am going to show you some sums. यहाँ पे identities हैं यहाँ पे और उस identities base पे मैं आपको sums सिखाने जा रहा हूँ. Here is the polynomial. You are already aware about the polynomial chapter of the mathematics. So I am showing you here some identities based questions. और these are the identities which are given in the mathematics. ठीक है, ये सारी की सारी identities हैं. आपको अच्छी तरह से ये identities learn करनी पड़ेगी और वो आइडेंटिटीज जितनी लर्न करोगे उसके बेस पे आपको सबके सब क्वेश्चंस के आंसर लर्न करने होंगे. ठीक है, जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट वन आइडेंटिटी हमारी है, ये है आइडेंटिटी. मैंने सारी की सारी आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी है. एक्चुअली यहाँ पे मैंने 7 ही लिखी है, टोटल 10 है. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी आई एम राइटिंग हियर ए प्लस बी होल स्क्वायर. आई एम राइटिंग हियर अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर. अगर यहाँ पर ए और बी है, ये दोनों नंबर्स है, मतलब ये दोनों वेरिएबल्स हैं. ठीक है, और ये पूरा अलजेब्रा है. That's why यहाँ पे polynomials की बात करने जा रहे हैं. तो a plus b का होल स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर मतलब ये पूरा ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर रहेगा, इसका आंसर ऐसा बनता है. आइडेंटिटी का एक्सपेंशन इस तरीके से होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये आपका इसका आइडेंटिटी का आंसर है और इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला है. अब ये आइडेंटिटी के बेस पे कैसे क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. आई एम राइटिंग हियर सम क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ दिस फर्स्ट आइडेंटिटी. देन मैं हर एक आइडेंटिटी पे दो दो क्वेश्चन दूंगा और आपको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी अगेन आई एम टेलिंग यू ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये टू कहाँ से लाए, अभी हमको टेम्पल के सुनना है कि पॉकेट में से टू रखें. ठीक है, और ये फर्स्ट का मतलब ये फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म में ए उसका स्क्वायर किया, लास्ट में बी है सेकेंड टर्म उसका स्क्वायर किया. देन क्या करना है, टू मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यानी ए इंटू बी किया और उसके साथ में टू का मल्टीप्लाई. ये एक्चुअली टू ए भी लिखा है, मतलब किसके किससे छिपा है, कोई जाहिर बात है जोड़ से नहीं छिपा है, ये मल्टीप्लाई के जोड़ से छिपा है, ये याद रखना आपको. ठीक है, ओके, अगेन आई एम शोइंग यू योर. मैं यहाँ पे क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आपको, मैं दिखाने जा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन. सपोज मान लो कि हम लोग ऐसा क्वेश्चन लेते हैं टू ए प्लस थ्री बी उसका होल स्क्वायर. देखना मेरा क्वेश्चन क्या आ रही है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है 2a plus 3b. अब देखना जहां पर a था हमारा आइडेंटिटी में उसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया है 2a. तो a की जगह पे मैंने बना दिया है 2a, then b की जगह पे मैंने बना दिया है 3b. बट इट a की जगह पर हमने बनाया 2a और b की जगह पे बनाया है 3b. दैट मींस क्या करेंगे, जहां जहां पर स्क्वायर करेंगे मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो a होगा ये 2 के साथ जाएगा और b होगा वो 3 के साथ जाएगा. So now I am showing you here, this is the answer, this is the expansion of this identity. So I am showing you here what is the answer of the 2a plus 3b whole square. So 2a plus 3b whole square is equal to first of all a square, मतलब पहले टर्म का स्क्वायर. यहाँ पे पहला टर्म कौन सा है 2a, 2a का स्क्वायर. This is your first term. ठीक है, ये हो गया 2a मतलब a का स्क्वायर. प्लस प्लस की साइन है मिडिल में तो प्लस रखना है. 2 into a into b मतलब पहले ये वाला 2 एक्स्ट्रा वाला 2 है जो हमने पॉकेट में से डाला. देन 2a, 2a means ये वाला है, a है, a का मतलब है 2a first term. Then 3b, this is the 3b, यानी कि a into b हो गया, ये क्या हो गया a into b. Plus b square, b मतलब क्या है यहाँ पे 3b square, क्या है यहाँ पे 3b square, क्योंकि b square है 3b की, b की जगह 3b है, तो उसका square है. Again, तो समझ लो फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या था a plus b का whole square था, a plus b का whole square तो first term का square plus 2ab plus b square. वैसे ही सेम इसका मैंने क्वेश्चन बनाया 2a plus 3b तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 into a plus b plus b square मतलब ये सेकंड का स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 into first into second plus second term square. यहाँ पे जाकर 2 का स्क्वायर करना क्या हो जाएगा 4a square, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4, a का स्क्वायर होगा a square. प्लस यहाँ पे तीनों दिन का मल्टीप्लाई करना है 2 2 सा और मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे जितने नंबर से 3 नंबर आ जाए 2 2 सा 4, 4 3 सा 12 ए बी. क्या होगा 2 2 4 4 3 12 ab. देन प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 b स्क्वायर. क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा 9 b स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर. इस तरीके से इसका आंसर बनेगा. तो ये क्वेश्चन था, दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस इज दैट आंसर. ठीक है, ये इस तरीके से आंसर बनेगा. इन शॉर्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2a plus 3b होल स्क्वायर इक्वल टू 2a plus 3b होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर plus 12ab plus 9b square. This is the answer of this equation. ठीक है, sorry, this is the answer of this polynomial. तो इस तरीके से हम लोग ये equation के base पे, ये identity के base पे answer कर सकते हैं. Now I'm going to solve the next question. ये हमारा answer हो गया है. अब ये हम दूसरा question कर रहे हैं. ठीक है, इसको आप चाहो तो इस तरीके से pause करके video को pause करके आप copy कर सकते हैं. ठीक है, now I'm going to the next question.
वही की वही आइडेंटिटी कर रहा हूँ। आप समझोगे आइडेंटिटी को, लर्न करोगे तो आइडेंटिटी लर्न करने के बाद आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा किस तरीके से आंसर करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज मान लो कि हम लोग लेते हैं 3x, मैं भी x करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आइडेंटिटी को जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी का उसकी जगह मैं एक्स वाई कर रहा हूँ, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं x मतलब ab की जगह पे मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया है, x और y ले लिया, तो ऐसा भी चल सकता है। अब हम लेने जा रहे हैं जैसे कि 3x, या मैं और कोई नंबर ले रहा हूँ, सपोज मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x प्लस 5y उसका होल स्क्वायर, 4x प्लस 5y उसका होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, उसका आंसर करना है किस तरीके से, इसी तरीके से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2xy प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड देन सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे करने जाएंगे हम लोग, पहला टर्म का स्क्वायर क्या था, पहला x था, x की जगह क्या है हमारा 4x है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या करना है, 2 लाना ये वाला, देन x, x मतलब फर्स्ट टर्म इंटू 4x इंटू सेकेंड टर्म y, y मतलब 5y, देन नंबर 2 मतलब क्या हो गया यहाँ पे 2 का मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर, देन सेकेंड टर्म क्या है 5y मतलब 5 की जगह पे, सॉरी y की जगह पे 5y, 5y का स्क्वायर, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, पीछे क्या लगेगा x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर प्लस ये क्या करना है 2 एंड 4 एंड 5, ये तीनों की नंबर्स इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, 8 5 जा क्या होगा 8 5 जा 14, पीछे लगेगा x 1 प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, पीछे लगेगा y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी का इस तरीके से आंसर बनेगा। अगेन आई एम शोइंग यू मिडिल टर्म कैसे लाते हैं, ये दो जो नंबर दिए ये दोनों नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर कर दो, तो ये नंबर क्या है 4, 4 का स्क्वायर करो 16, पीछे x है तो x का स्क्वायर, लास्ट टर्म कौन सा है 5, 5 का स्क्वायर करो 25, उसके पीछे y स्क्वायर। और ये मिडिल टर्म कैसे करना है, तो ये दोनों जो नंबर्स दिए कोई भी नंबर हो, एनी ऑफ द नंबर, वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, अगर मान लो 3 और 4 होता तो 3 4 जा 12 और उसका डबल करना है, जैसे कि 4 5 जा 20, 20 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 40 एंड 40 x y, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ये हमारी आइडेंटिटी थी, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी आई हैव कंप्लीटेड, नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड आइडेंटिटी, ओके। अब मैं सेकंड आइडेंटिटी शो करने जा रहा हूं, यस Yes, now this is the second identity students. ये second identity जो ये वाली है, a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square, ठीक है? a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. Actually अभी ये video on है, पर मैं थोड़ा comfortable feeling नहीं कर रहा हूँ, because I am feeling some nervousness here. रेगुलरली मैं जब लेक्चर लेता हूँ तो मैं एकदम नेचुरल मूड में होता हूँ, पर सीधी सी बात है जब वीडियो हो रहा है तो सीधी सी बात है कोई भी टीचर को या कोई भी पढ़ाने वाले को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फीलिंग लगता है, थोड़ा नर्वसनेस फीलिंग होता है, वही फीलिंग मुझे भी हो रही है। और हो सकता है कि मेरा वीडियो एकदम सिंपल सा है, मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है या बहुत इतना स्मार्ट थोड़ा दिखता नहीं है मेरा, तो हो सकता है कि आपको लगे थोड़ा कि ये बकवास इंसान क्या पढ़ाएगा, लेकिन अगर आपको जिसको भी सच में सीरियसली अगर आइडेंटिटीज पढ़नी है, सीरियसली आपको लगता है कि आइडेंटिटीज में कंसंट्रेशन करना है, आइडेंटिटीज नहीं आ रही है, नहीं सीख पाए, तो ये छोटा सा वीडियो एक बार देख लेना तो आपको सच में मजा आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मुझे लाइक करो सब्सक्राइब करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, मेरे अंदर एक गोल है, अंदर एक विश है कि मुझे मेरे वीडियोस अपलोड करने बस, और वो वीडियोस चाहे हर कोई लोग देखे नहीं देखे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरी कंप्लीट मतलब मेरी एक ड्यूटी है, मुझे अंदर से ऐसा है कि मुझे मेरे वीडियोस अपलोड करने, तो वही मैं मेरी ड्यूटी कंप्लीट करने जा रहा हूँ। आपको ठीक लगे तो देखना, मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे थोड़ा सा थोड़ा मेरा ठीक नहीं लगेगा आपको, मेरा फेस अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इसको देखोगे समझोगे तो आपको मजा आएगा सच में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं नेचुरल तरीके से पढ़ाऊँ, पर थोड़ा सा सीधी बात है कि वीडियोस करने के टाइम कैमरास के साथ टाइम थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है, दैट्स व्हाई आई एम थोड़ा नर्वसनेस फीलिंग होती है, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड आइडेंटिटी, सो ए माइनस बी है, दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पर उसी को हम लोग वेरिएबल्स को चेंज कर देते होता है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, लास्ट टर्म दोनों में प्लस ही रहेगा, यहाँ पे क्या था फर्स्ट टर्म है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर था, वैसा ही सेम इसके हमने पहली आइडेंटिटी के बेस पर दो सम किए हैं, वैसा ही सेम सीन है, कोई फर्क नहीं है, खाली बीच में प्लस की जगह पे माइनस हो गया है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे सेकंड की जगह पर मतलब यहाँ पे मिडिल टर्म में हमको माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वही का भी एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, सपोज मान लो कि 2a माइनस 3b इसका होल स्क्वायर लेते हैं, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन मैंने प्लस में भी लिया, तो वही का वही क्वेश्चन अगर माइनस में होता तो क्या होता है देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या सोचना है
ये वाली आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे 2a माइनस 3b होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या था पहले का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा सेकंड टर्म का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे b का स्क्वायर, वही सी नंबर को यहाँ पे करना है 2a का स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है a की जगह पे 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस, या फिर लास्ट में लोग ऐसा कर देते हैं प्लस करके लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर कर देते तो 9b स्क्वायर सॉरी माइनस 3b स्क्वायर, फिर यहाँ पे b की जगह पे 3b उसका होल स्क्वायर, देन मिडिल टर्म क्या होगा 2 पॉकेट में से डालो, ये 2 कहां से आया मान लेते हैं कि पॉकेट में से लिया, कैसे लिया बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग ये सीखते हैं आपको भी लर्न करना है कि आइडेंटिटीज का आंसर कैसे बनता है, दिस आर द आंसर, तो यहां पे 2 * a * b मतलब 2 * फर्स्ट * सेकंड, 2 * फर्स्ट कौन सा है हमारा 2a और सेकंड कौन सा है हमारा 3b है, तो वी आर गोइंग फॉर दैट 2 * 2a + 3 * 3b सॉरी माइनस 3, यहां पर है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये था फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये क्या था होल स्क्वायर इसमें माइनस है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मिडिल टर्म माइनस then 2 into a into b, तो ये 2 into a into b की जगह पे a की जगह पे 2a, b की जगह पे 3b, and then second term का square मतलब 3b का square हो रहा है, ठीक है? अब क्या करेंगे? इसको bracket open करना है, इसको square करना है, देखते हैं 2 का square क्या होगा? 4, यहाँ पे होगा a square, 4a square, then minus 2 2s are 4, 4 3s are 12, मैंने shortcut और बताई थी, ये दोनों का multiply करो, जो भी number दो दिए ये नंबर कौन सा 2 है 3 है 2 3 का कितना होता है 6 उसका डबल करना है तो 12 यहां पे वही हो रहा है 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 को हिंदी में क्या बोलते हैं 12 तो 12 बार मिला दोबारा ठीक है तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 मतलब 12 AD हो रहा है प्लस यहां पे क्या होगा बार बार देखना दोबारा ऐसा बोल रहा हूं 12 का मतलब है बार बार देखना दोबारा मैंने बोल दिया 3 का स्क्वायर करेंगे 9 एंड यहां पे है b स्क्वायर 9b स्क्वायर ओके ये क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस 12 कहां से आया 2 3 जा 6 उसका डबल किया माइनस 12 AD प्लस होगा लास्ट में 9b स्क्वायर दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अब मैं दूसरा क्वेश्चन इसमें यही आइडेंटिटी के बेस पे मैं x और y पे बताने जा रहा हूं ठीक है सो अगर आपको जैसे-जैसे आप लोग अगर ये वीडियोस देखते रहते हो इसको पॉज करके आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आइडेंटिटी ओनली सेकंड नंबर की आइडेंटिटी है उसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज मैं वही का वही क्वेश्चन दे रहा हूं 4x - 5y 4x minus 5y कोई भी नंबर ले सकते हो एनी ऑफ द नंबर यू हैव टू चूज आप कोई भी नंबर से सॉल्व कर सकते हो आई एम टेकिंग हियर 4x एंड 5y बीच में माइनस है होल स्क्वायर है सबसे पहले क्या होगा 4x का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यहां पर बीच में मिडिल टर्म मिडिल टर्म के साइन देन 2 पॉकेट में से डालें देन क्या करेंगे फर्स्ट टर्म कौन सी हमारी 4x फर्स्ट टर्म इज 4x सेकंड टर्म इज 5y एंड देन प्लस क्या करेंगे y का स्क्वायर तो 5y का होल स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर इन शॉर्ट अब क्या करेंगे यहां पे 4 का ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मिडिल में माइनस की साइन देन 2 * फर्स्ट * सेकंड है 4x * 5y देन सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16x स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 2 4 अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 4 5 का कितना होगा 20 20 का डबल करोगे तो 40 वही का वही यहां पे 2 4 का 8 8 5 का 40 40xy क्या हो जाएगा 4040xy प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25y स्क्वायर दिस इज वेरी मच इजीएस्ट थिंग बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद भी ये आइडेंटिटीज नहीं आती ठीक है तो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू हियर द आइडेंटिटीज व्हाट आर द आइडेंटिटीज एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दिस आइडेंटिटीज ठीक है तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था ऑन द सेकंड आइडेंटिटीज ठीक है बेस्ड ऑन सेकंड आइडेंटिटीज तो दिस इज द मेन आंसर ऑफ द सेकंड आइडेंटिटी ठीक है अगर ये क्वेश्चन है तो वैसे आप अलग-अलग क्वेश्चन करके सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस भी कर सकते हो आई एम गोइंग टू गिव यू द होमवर्क आल्सो मैं आपको लास्ट में कुछ होमवर्क्स की सौंप दूंगा उसको आपको खुद से सॉल्व करने होंगे ठीक है अब हम लोग जाने वाले हैं थर्ड आइडेंटिटी ठीक है थैंक यू ओके स्टूडेंट्स वी हैव सीन द टू आइडेंटिटीज फर्स्ट टू आइडेंटिटीज पहली आइडेंटिटी ये वाली थी a plus b होल स्क्वायर आपको लिख के प्रिपेयर करना पड़ेगा ये आइडेंटिटीज नहीं सीखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आइडेंटिटीज आपको लिख के प्रिपेयर करनी पड़ेगी 5 बार 10 बार आपको आइडेंटिटीज लिखनी है समझ लेना क्योंकि सीधी सी बात है हमको जब खाना खाना होता है ना या भूख लगती है तो हम फिर भी दिन में 2 बार खाना खाते हैं और महीने में कम से कम 60 टाइम खाना खाते हैं तो ही हमारा बॉडी में एनर्जी होती है बॉडी में फ्यूल आता है वही बात यहाँ पर भी है अगर किसी भी चीज को याद रखनी है तो उसको कम से कम 10 बार लिखना तो पड़ेगा ही और लिखने के बाद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा अदरवाइज इट विल नॉट पॉसिबल ठीक है टू लर्न तो दैट्स व्हाई यहां पे फर्स्ट आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर दिस इज कॉल्ड एज द a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, वैसा ही सेम अगर आपको फर्स्ट आ जाएगी तो सेकंड भी अपने आप आ जाएगी। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन ए स्क्वायर, ओनली मिडिल टर्म में करना है माइनस टू ए बी, लास्ट टर्म तो प्लस ही रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे बी स्क्वायर भी प्लस में है। तो ये दोनों सेम है, खाली जस्ट यहाँ पे बीच में माइनस है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म में माइनस करना है। और ये दोनों के बेस पे हमने एग्जांपल्स कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, आप मेरे वीडियो में देख लेना। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू द थर्ड आइडेंटिटी। द थर्ड आइडेंटिटी ऐसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा था दोनों के कंबाइन स्क्वायर, यहाँ पर क्या था दोनों ने कंबाइन, मतलब बोलते हैं यहाँ पे ब्लैंकेट उड़ा था, ये दोनों ने एक साथ में ब्लैंकेट उड़ा था, अब दोनों अलग अलग ब्लैंकेट उड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों की थोड़ी तकरार हो गई, पहले दोनों साथ में थे, दोनों ने साथ में कंबल उड़े थे, तो इसलिए पूरा आंसर ऐसा बना। अब मान लो कि दोनों में थोड़ा सा दूध में हुआ है और दोनों ने कंबल अलग अलग कर दिए। ठीक है, मतलब दोनों ने टोपी अलग अलग पहनी है, ऐसा मान के चलना। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर है, बीच में माइनस है, कंपलसरी आपको इसकी टोपी उतारनी है, और पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, देन दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, वेरी मच इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर द ये आइडेंटिटी बेस के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। ठीक है, और एक आइडेंटिटी को लिख लेते हैं ऐसी, सेम x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो क्या होगा इसकी टोपी उतार लो तो क्या बनेगा, x माइनस y फर्स्ट ब्रैकेट में, देन x प्लस y सेकंड ब्रैकेट में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स सीख तो जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, ऐसा यहां पे x माइनस y लिखते हैं, फिर बीच में प्लस डालते हैं, और फिर प्लस x प्लस y, दिस इज रॉन्ग, यहां पर कोई साइन आएगी नहीं, ये दोनों के ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई रखना है। ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर द कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि यहां पे होल स्क्वायर दिया होगा, जैसे कि 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 4x तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 2x स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 3y स्क्वायर, ये है 2x स्क्वायर माइनस ये है 3y स्क्वायर। ओके, तो यहां पे क्या होगा 2x माइनस 3y, यानी कि पहले देखो 2x का स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, और दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर बीच में माइनस है, क्या करेंगे टोपी उतार लो ये दोनों की, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा 2x माइनस 3y इन द फर्स्ट ब्रैकेट, देन 2x प्लस 3y इन द सेकंड ब्रैकेट, क्या करेंगे 2x माइनस 3y इन द फर्स्ट ब्रैकेट, 2x माइनस 2x प्लस 3y इन द सेकंड ब्रैकेट, दिस इज योर आंसर। It's very much simple. It's very much simple. ठीक है, now I'm going to show you the, आप इस तरीके से लिख भी सकते हो इसको पॉज करने के बाद। यहाँ पे मैं दूसरा एक क्वेश्चन करने को जा रहा हूँ। सपोज मान लो कि हम लोग ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं 4a स्क्वायर, सॉरी 4, आई एम चेंजिंग द नंबर, 16a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, 25b स्क्वायर, क्या करेंगे यहाँ पे 16 जो है किसका स्क्वायर है 4a का स्क्वायर, दिस इज द 4a स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 25 किसका स्क्वायर 5 का, तो 5b स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दोनों के दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर है, बीच में माइनस है, क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर बीच में माइनस, दोनों की टोपी उतार लो, पहले ब्रैकेट में आएगा 4a माइनस 5b, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा 4a माइनस 5b, सेकंड ब्रैकेट में आएगा 4a प्लस 5b, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर, इज वेरी मच सिंपलेस्ट आइडेंटिटी है, बहुत इजी आइडेंटिटी, आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो और एक क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं, चलिए अगला सा एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जब भी लिखना है वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ओके, नाउ द थर्ड वन, सपोज मान लेते हैं यहां पे मैं ले रहा हूं 81 m स्क्वायर कर रहा हूं, चलो इस बार मैं आइडेंटिटी और चेंज कर रहा हूं, सपोज मान लो यहां पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा m माइनस n, और क्या हो जाएगा m प्लस n, 81 m स्क्वायर माइनस माइनस 121 m स्क्वायर, 121 m स्क्वायर। ठीक है, या मैं और भी लिख सकता हूं, s लिख सकता हूं, t लिख सकता हूं, कोई भी आप न्यूमेरिकल मतलब कोई भी आप वेरिएबल्स को ले सकते हो, वेरिएबल यू कैन चेंज, ठीक है, बाय योरसेल्फ। अब क्या होगा यहां पे 81 है, 81 किसका स्क्वायर है 9, ये क्या है m स्क्वायर 9 m स्क्वायर, देन माइनस 121 किसका स्क्वायर है 121 स्क्वायर है 11 का, आपको कम से कम 10th के लेवल में 25 या 30 नंबर्स तक तो स्क्वायर आने ही चाहिए कंपलसरी, यू नीड टू लर्न द टिल 30th नंबर, 1 टू फर्स्ट 30 नंबर्स के आपको स्क्वायर आने चाहिए, दूसरा 1 टू 12 या 15 नंबर्स के आपको क्यू आने चाहिए कंपलसरी, और 1 टू 20 के टेबल्स भी आने चाहिए कंपलसरी, अगर आप 10th में पढ़ रहे हो ये बहुत जरूरी है। ओके, नाउ 11 एंड होल स्क्वायर, 11 एंड होल स्क्वायर दोनों का लिखिए, मतलब 11 एम का स्क्वायर, ये एन एम का स्क्वायर, 9 एम का स्क्वायर, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर हो गए, बीच में क्या गया माइनस, तो क्या करेंगे एक बार माइनस करो 9m माइनस 11m, देन दूसरे ब्रैकेट में आएगा 9m प्लस 11m, दिस इज योर आंसर, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने ऑलरेडी फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी कंप्लीट की है और वो तो बहुत इजी है। एक से चार तक की आइडेंटिटी है वो वेरी मच सिंपल है, पांच तक की आइडेंटिटी भी वेरी मच सिंपल है, आपको सिक्स के बाद की ऑनवर्ड्स जो आइडेंटिटी वो ज्यादा तो सीखनी है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द सिक्स सॉरी फोर्थ आइडेंटिटी और ये आपको टेंथ में भी काम में आएगी। ये एक्चुअली नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी ये पॉलीनोमियल चैप्टर है, आप इसमें से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और ये देखने जाए तो नाइन्थ स्टैंडर्ड का ही है पूरा टॉपिक और ये टेंथ में अभी यहाँ से शुरुआत होती है सर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे x प्लस ए एक्स प्लस बी ये ब्रैकेट में दिया है, ये पहले ब्रैकेट में दिया है x प्लस ए एंड x प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से कुछ आइडेंटिटी दी है, दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी और इसको मैक्सिमम हमको सॉल्व करने सीखना है, यही आपको टेंथ में इसके ही बेस पे समझाएंगे। इसके ही बेस पे समझते जो आपको उसमें जीरोस फाइंड करने होते हैं वो हम लोग और भी वीडियोस में देखेंगे, आपको और ज्यादा पता चलेगा। पर इसको कैसे सॉल्व करते पहले देखते हैं। यहाँ पे दो ब्रैकेट्स दिए, पहले ब्रैकेट में x प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी और दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का जोड़ है, ठीक है, कोई बीच में कोई साइन नहीं। पर पहला नंबर देखो, यहाँ पे जो पहला है वो x x दोनों में x x कॉमन है और दूसरे में a और b नंबर है, अलग अलग नंबर है। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट नंबर आते हैं तो पहले में हम लोग ने किया, पहले में दोनों में x था इसलिए पहले का स्क्वायर कर लिया। फिर दूसरे में क्या हो रहा है, ये दूसरा नंबर जो है a एंड b उसको दोनों का हम लोग प्लस किया है, देन मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाले नंबर से एंड देन a मल्टीप्लाई बाय b किया, ठीक है। आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो और समझ में आएगा। x plus 8 पहले ब्रैकेट में लेते हैं, x plus 10 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। इस टाइप के हम लोग सम सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी हमने क्या किया, यहाँ पे पहले ब्रैकेट में ये हो गया ये x plus a, ये हो गया x plus b, this is the x plus a and second is the x plus b। क्या करेंगे यहाँ पे, a की जगह पे हमारे पास 8 है, b की जगह पे हमारे पास क्या है 10 है और x तो x ही है already, x तो x given है। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर ऐसा करेंगे, पहले में x square है, यहाँ पर भी देखो x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर मिल जाएगा x square, this is the first, ठीक है। Now number two यहाँ पे plus करना है, plus की sign है तो plus करो, ठीक है, प्लस की साइन। देन क्या करेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 8 प्लस 10, तो यहाँ पे क्या होगा 8 प्लस 10 और यहाँ पे क्या करना है, बीच में पीछे x को मल्टीप्लाई करना है, देन यहाँ पे करना है a इंटू बी, a इंटू बी मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ए बी मतलब ऐसा नहीं कि 8 के पीछे 10 लिख के 810 बनाओ, नहीं, ये 810 नहीं है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 करना, ठीक है। अब इसका आंसर ऐसा बनेगा x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 10 होगा 18x और प्लस ये क्या बन जाएगा 80 बन जाएगा, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व, यही आइडेंटिटी पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मान लो कि x प्लस 13 है एंड दूसरे ब्रैकेट में मान लो कि x प्लस 7, x प्लस 7 हम लोग माइनस भी करके करेंगे, पहले हम लोग प्लस वाला जो आइडेंटिटी है, मैं आज जो है वो क्वेश्चन जो भी करवा रहा हूँ वो सारे के सारे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग आइडेंटिटी बेस पे कंप्लीट करते हैं, ये क्या हो गया x plus a first bracket then the x plus b is the second bracket, हमारा आंसर क्या था x square plus a plus b into x plus a b, क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर आएगा x into x मतलब दो बार x है, x का square first में plus क्या करेंगे a plus b, अभी यहाँ पे a क्या है हमारा 13, b क्या है हमारा 7, ये दोनों different different number है, तो क्या करेंगे a plus b मतलब bracket के अंदर आएगा 13 plus 7 into x प्लस क्या है यहाँ पे a into b, a into b मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 7, क्या करेंगे a into b मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। यहाँ पर आएगा x square प्लस 13 प्लस 7 कितना होता है 20x प्लस ये क्या हो जाएगा 13 7 91, आपको टेबल्स मैंने अभी बताया था, आगे मैं ही बोला था आपको कम से कम 20 तक के टेबल्स तो आने ही चाहिए, तो x square plus 13 plus 7 20x plus 91 this is the answer of this question, ठीक है। so now already हमने 4 identities complete कर ली है, ये चारों की चारों identities हमारी over हो चुकी है, अब हम लोग next video में हम लोग क्या करेंगे, पांचवी identities हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग आप video pause करके एक बार ध्यान से सामने से लिख लेना और देख भी लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो और भी practice करनी पड़ेगी और मैं इसके और extra questions भी आपको practice में दूंगा या आप लोग practice book से भी solve कर सकते हैं। Okay, thank you so much.